गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम करता आप सभी लोगों का फ्री फायर के एक बार एक्साइटिंग वीडियो में। तो भाई लोग, फाइनली हम सभी को बताया कि OB18 का अपडेट आने वाला है, जिसके रिगार्डिंग आपको जब तक OB18 का अपडेट नहीं आ जाता है, आपको कितना सारा अपडेट देखने को मिलेगा, कितना सारा न्यूज़ आपको मिलेगा, उसका कोई लिमिट नहीं है। और फाइनली बहुत लोग पूछ रहा था कि भाई हम लोग हैं सुपर मार्केट 3.0 कब आएगा। तो आप टेंशन नहीं, आप दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जो है 3.0 बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसका आपको भाई प्रूफ भी दूंगा और आप ऑलरेडी शायद देख भी चुके हैं। तो ज़्यादा बात को लंबा नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है आपको चैनल सब्सक्राइब करने लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट न्यूज़ कोई भी अपडेट्स होता है आप लोगों में सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बात कर ले हम लोग अपडेट्स को लेकर। तो यहाँ से अगर सिंपल आप क्लिक करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको एक बैनर देखने के लिए मिलती है, जिसमें लिखा हुआ रहता है ब्रेक डांसर बंडल थ्री डेज ट्रायल। तो रात में मैंने ऑलरेडी बता चुका था कि यहाँ से हम लोग ब्रेक डांसर बंडल जो है वहाँ से हम लोग 3.3 दिन के लिए हम लोग को मिलेगा, वो भी क्लेम करने के साथ साथ। तो फाइनली आप बैनर देख चुके, आपको बिलीव हो गया होगा कि यहाँ से हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ से अगर नीचे में आते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं दिवाली सेलिब्रेशन, जिसमें आपको 12 अक्टूबर को 11 AM को आपको लाइव स्ट्रीम में आना है। 250,000 अगर इसका वॉचिंग कंप्लीट हो गया तो आपको ब्रेक डांसर बंडल जो वो आपको परमानेंट के लिए मिल जाएगा, परमानेंटली सब दिन के लिए मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, और साथ साथ 3 गन की बॉक्स और यहाँ पर से आपको और कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको लेजेंसी रिटर्न आपको पता है कुछ दिन पहले एक मतलब ये आया था इवेंट, आया जिसमें हम लोगों को स्पिन करने से हम लोगों को MP40 की स्किन और एक लड़की का जो आया था वो वाली जो उसका जो बंडल था वो हम लोग को मिल रहा था। फिर आपको ये वाला जो इवेंट है फिर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है सुपर सेल 3.0, यानी कि सुपर मार्केट 3.0। तो यहाँ से सुपर मार्केट 3.0 को कन्फर्म कर दिया गया कि यहाँ पर सुपर मार्केट 3.0 को इंडिया में बहुत ही जल्द मिलेगा। अब आज मिलेगा या कल मिलेगा या परसों मिलेगा, इसका क्लियर डेट नहीं बताया गया, बट इस चीज़ को यहाँ से कन्फर्म कर दिया गया है कि यहाँ से आपको सुपर मार्केट 3.0 देखने के लिए मिलेगा। उससे नेक्स्ट बात करना था फेडेड विल, तो यहाँ से आपको एक स्पिन करने का ऑप्शन मिलेगा फिर से, जिसमें आपको ये वाला बंडल देखने के लिए मिलेगा। तो ये तीनों इवेंट जो आपको बहुत ही गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ से अपडेट दे दिया तो 12 अक्टूबर से पहले मेरे ख्याल से 12 अक्टूबर से पहले ये चीज़ आपको यहाँ से गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद आपको नीचे में तो यहाँ पर से आप देख पाइए इन सब चीज़ को यहाँ से ब्लैक कर दिया गया है। उससे ये वाला तो यहाँ पर से दिवाली सेलिब्रेशन ये भी ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पर से प्रिपेयर टू पार्टी ये भी यहाँ से इंस्टा ओपन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर क्या है। तो मेरे ख्याल से ये बाद में ओपन होगा, या फिर मतलब हो सकता है कि कुछ दिन में आपको ओपन होगा, 3 तारीख को यहाँ से ओपन होगा, 3 तारीख नहीं भाई, और 9 तारीख को अगर यहाँ से ओपन होगा तो होगा ना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो ओपन करेगा ही करेगा, क्योंकि इवेंट जब भी आएगा उससे पहले यहाँ पर आपको बैनर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तो हो गया अपडेट के बाद यहाँ से गेम के अंदर जो इन गेम प्रेजेंट हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ से OB18 से रिगार्डिंग की अपडेट को लेके। तो गाइस बता दें कि इस बार COVID-18 में आपको बहुत सारा चेंजेस मिलेगा, बहुत सारा अपडेट्स मिलेगा, बहुत सारा चीज़ें आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाए, 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी OB18 के अपडेट पर बता चुका हूँ, बट वो जिस तरीके से मेरे को न्यूज़ मिलता है उस हिसाब से मैं बताता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही चीज़ हर वीडियो में बताता हूँ, थोड़ा बहुत लेता हूँ बट सब वीडियो में अलग अलग बताता हूँ। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें यहाँ से हम लोग अपडेट्स को लेके, तो यहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ का चेंजेस देखने को मिलेगी। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर से आपको एक मतलब आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, मतलब कोई भी जोकर वाला करेक्टर, जोकर वाला बंडल पहन के आपसे दौड़ता हुआ आ रहा है उधर से, और उसके सर पे आप देख पा रहे हैं एक फल है जो बहुत सारा है। कितना है आप गिन लो यहाँ से कितना फल है, उसको मेरे कमेंट में बताना किसके सर पे कितना सा फल है। तो इस टाइप से वो कुछ मतलब आइटम्स देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही साथ ये सिर्फ इतना सा ट्रेलर है, यहाँ से आपको इतना सही नहीं कि ये सिर्फ फल लेकर आप दौड़ सकते, जैसे हम लोग होता है ना कि कोई कैप लगा लिया कुछ लगा लिया ऐसे दौड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं भाई, ये भी एक चैलेंज है। सिंपली आप स्क्रीन पे देख पा रहे कि वो बंदा दौड़ के आ रहा है और इधर एक लड़की खड़ी है, ठीक है, और लड़की के हाथ में एक चाकू। अब चाकू से उसको उस फल को फेंकना है, यानी कि उस फल को इसे चाकू से काटना पड़ेगा। तो यहाँ से सिंपली आप देख पा रहे कि यहाँ से ये चाकू फेंक रही है, चाकू फेंका उसके बाद उसके कपाड़ पर लगा या फिर कहीं पर भी लगा, उसको जितना भी फल है वो टोटल गिर गया और बंदा का खेल खत्म। तो पता नहीं ये मेरे ख्याल से न्यू मोड आएगा या फिर क्या आएगा पता नहीं, बट यहाँ पर से इतना सारा फल लेके बंदा दौड़ेगा, उसके बाद आपको नाइफ मिलेगा गेम के अंदर, नाइफ के और उसके बाद नाइफ मिलने के बाद आपको
किसी बंदे को और फेंकना है, और उसके बाद उस बंदे को लग जाए तो वो बंदा जो वहाँ पर से ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आप जो यहाँ से हो सकते हैं विनर बन जाइएगा। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली चीज़ है, मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई आखिर ये चीज़ है क्या, आखिर भाई ये माजरा क्या है कि यहाँ से मतलब इतना सारा फल लेके दौड़ेगा, उसको तो आपको किसी चाकू से काटना पड़ेगा। मतलब कुछ अजीब से लग रहा है कि मतलब आखिर ये चीज़ होने क्या वाला, और गरेना गेम के अंदर क्या देने वाली है। तो ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया। बात करें ऐसे नेक्स्ट चीज़ की, तो गेम के अंदर आपको चेंजेस दिखने मिलेगी गेम के अंदर नहीं भाई, बर्मुडा मैप में। अब परगेटरी मैप में कुछ चेंजेस करेगा या नहीं करेगा, बट मेरे को उम्मीद नहीं लगता है कि परगेटरी मैप को वो छेड़छाड़ करेगा। बट जब भी वो छेड़छाड़ करता है तो वो हम लोग यहाँ से बर्मुडा मैप को ही छेड़छाड़ करता है, जो भी अपडेट करता है वो बर्मुडा मैप में ही चेंजेस करता है। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हो रहा है जिसमें आपको रेनिंग दिख रहा है, यानी कि बारिश होता हुआ दिख रहा है। और मैंने इसे रीड भी करा तो वहाँ पर से बताया जा रहा है कि यहाँ से जब हम लोग का गेम जब लास्ट टाइम को आने लगेगा ना लास्ट टाइम, तो यहाँ से हम लोग को रेनिंग मोड देखने के लिए मिलेगा। अब देखो भाई, मैं जो भी अपडेट दे रहा हूँ ये नहीं कि मैं अपने खुद से बना के दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि ये वीडियो जारी हुई है, और फाइनली जहाँ से न्यूज़ आती है, जहाँ से पक्की खबर आती है, उधर से ये सब चीज़ आती है, तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से एडिट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं। आप लोग ध्यान पर रखना, मैं जो भी अपडेट बताता हूँ तो उसका कम से कम मैं पिक जो है पिक वो पिक में डालने की कोशिश करता हूँ। बट आपको मैं ऐसे वीडियो दिखा रहा हूँ कि स्क्रीन पर आप देख चुके हैं कि यहाँ से आपको मतलब बर्मुडा मैप में आपको रनिंग टाइप का देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल रनिंग टाइप का। हालांकि आप इसे एडिटिंग बोल सकते हैं, बट वहाँ से न्यूज़ में दिया गया है कि यहाँ से आपको रनिंग टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इतना सही नहीं, आपको मैप के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलेगी। वो क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगी, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साइड में हम लोग को क्लॉक टावर है, उस साइड में हम लोग का पिक है, पिक के लेफ्ट साइड में टावर है, उसको राइट साइड में आप देख सकते हैं उसका पहाड़ी जो है कुछ अजीब टाइप से दिखता है, कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई दिखता है। अभी जो हम लोग करंट में गेम के अंदर जो हम लोग क्लाइमेट मिलता है, यानी कि पहाड़ जो होता है, पहाड़ी वाला जाता है उसको जो हाइट में देता है, तो वो सिंपल से दिखता है, मतलब लगता है कि मतलब इधर कोलोकता ये पीक के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बराबर है। बट अपडेट आने के बाद आपको लेफ्ट साइड थोड़ा सा डाउन मिलेगा, राइट साइड में कुछ ज़्यादा ही ऊंचा आपको क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ अगर गेम के अंदर आ जाए तो मतलब बहुत ही मज़ा आ जाए, क्योंकि मैप के अंदर ऊंचा नीचा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक हिसाब से मैप को उसे चेंज करना चाहिए, बट वो सुने हैं कि नेक्स्ट OB19 के अपडेट में यहाँ से आपको न्यू मैप देखने के लिए मिलेगा। बट परगेटरी मैप में ऑलरेडी हम लोग को बहुत सारा जो पहाड़ है वो देखने के लिए मिलता है, एवरेज जितना भी वो हम लोग को देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ से आपको क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा। तो ये किस टाइप से वो किस हिसाब से वो गरेना कितना जगह पर चेंजेस करेगा, ये सब चीज़ अभी तक तो पूरा कंफर्म लीक्स नहीं मिला, बट यहाँ पर जहाँ जहाँ मेरे को मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ से आपको रैन मोड मेरे ख्याल से बहुत ही गेम के अंदर देखने को मिलेगा, OB18 के अपडेट के साथ साथ ही, और साथ ही साथ आपको क्लाइमेट भी हाई लेवल का देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात आती है लेके क्लास स्क्वाड को लेके। जस्ट तो क्लास स्क्वाड आप सभी को पता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि ये मतलब सिंपल सा मोड है, जैसे हम लोगों का गेम के अंदर कोई भी मोड रहता है उसी तरह से ये क्लास स्क्वाड एक मोड है। जी हाँ, क्लास स्क्वाड एक ऐसा मोड ही है जिसे हम लोग सिंपली कोई भी गेम प्ले करते हैं उस मोड में गेम प्ले करते हैं, उस तरह से क्लासिक भी क्लास स्क्वाड भी एक मोड है। बट ये जो अभी हम लोग के गेम के अंदर अभी जो करेंट में है ना, ये 1.0 है, आपको बता दीजिए वर्जन 1.0 है। बट शायद मतलब बहुत लोगों ने इस बात को नोटिस नहीं किया था, और मैंने भी नोटिस नहीं किया था, बट मेरे को न्यूज़ मिला था, समझ में आया कि भाई अभी जो हम लोग के गेम के अंदर जो क्लास स्क्वाड है ये वर्जन 1.0 है। बट अब जो नेक्स्ट में आने वाला है वो आपको देखने के लिए 2.0, और ये चीज़ कन्फर्म कर दिया गया 2.0। और जैसे आप स्क्रीन पर देख पाने के यहाँ से आपको पिक में दिख रहा है कि अभी जो हम लोग गेम के अंदर क्लास स्क्वाड मोड में जितना भी नॉर्मल गन होता है, नॉर्मल वेपन जो भी होता है M4A1 AK-47 उसका जो भी गन होता है ना हम लोग जो गेम के अंदर मिलता है वो मिलता है, बट यहाँ से लॉन्चर या फिर मतलब कुछ ब्रिक स्विंगर मोड में जो हम लोग वो मिलता है ना हुक गन वो, तो ये सब चीज़ हम लोग गेम के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। बट इस बार जो अपडेट आएगा वर्जन 2.0 क्लास स्क्वाड में वर्जन 2.0, तो इसमें आपको लॉन्चर भी देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो हुक गन है वो भी शायद देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर से दिया गया है कि यहाँ से आपको लॉन्चर और हुक गन दोनों आपको क्लास स्क्वाड में देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ अगर आ जाए तो मतलब उतना खास नहीं है भाई, क्योंकि क्लास स्क्वाड तो मतलब ऐसे भी ख़त्म हो जाता है बहुत ही जल्दी, इधर उधर से दो बंदे इस साइड से दो चार बंदे इधर से सबसे मैं आपको लास्ट में और चार बंदे उधर लास्ट में, तो उसको हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं, बंदे इधर इधर ही होंगे उसको मार भी सकते हैं। बट इस चीज़ को अगर दे देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा भाई, गरेना जो भी दे रहा है देने दो भाई, वैसे हम लोग का कुछ थोड़े ना जा रहा है जो। तो ये सब चीज़ आपको गेम के अंदर देखने मिलेगा क्लास स्क्वाड में। और साथ ही साथ बात करें ऐसे नेक्स्ट अपडेट को लेके, तो नेक्स्ट अपडेट बहुत ही ज़्यादा भी आया है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब आपको बता दें क्या है।
जैसे आपसे भी बताया कि हम लोग M60 जो गन होता है M60 M60 उसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जिससे उसमें मैगजीन डालना होता है फिर मतलब कुछ भी हम लोग साइलेंसर होने से कुछ भी यूज नहीं कर पाते। बट इस बार जो अपडेट आएगा, अपडेट आने के साथ साथ आपको कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। न्यू चेंजेस क्या, उसमें आपको मतलब साइलेंसर टाइप कुछ रहता है बट साइलेंसर नहीं है उसमें, कुछ साइलेंसर टाइप से ही रहता है और सिंपल ही। जैसे आप किसी बंदे को शूट करते तो उसका जो मतलब ये होता है ना एमओ होता है ना बुलेट, बुलेट जो निकलता है इधर उधर बहुत ही ज़्यादा भटकता है हर गन का, ऐसा नहीं सिर्फ M60 का ही, हर गन का जितना भी गन है सिर्फ किसी भी बंदे को हम लोग शूट करते हैं उसका जो फायरिंग होता है बहुत ही ज़्यादा रिकॉल करता है। बट तीन गन के लिए यहाँ पर से अपडेट आएगा, जैसे M1014 और MP5 और यहाँ से M60। M1014 जो शॉट गन सबको यूज करता है सबके लिए फेवरेट है, और उसके बाद MP5 और M60 M12 जो भी गन है उसमें एक अपडेट आएगा कि उसमें आप अलग से कुछ लगा सकते हैं। जैसे मतलब मैंने जैसे बताया साइलेंसर के जैसे मिलेगा आपको, बट वो साइलेंसर नहीं होगा, आपके वो एमओ को बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे एक एक पॉइंट पे सिंपली एक ही पॉइंट पे जाएगा, उसके अलावा दूसरा पॉइंट पे नहीं जाएगा, सिंपल एक ही पॉइंट पे जाएगा। मैंने वीडियो पे दिखा दिया है, मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियो देख चुका हूँ कि वहाँ पर जो उसका एमओ जाता है बिल्कुल एक्यूरेट एक ही पॉइंट पे जाता है और उसके अलावा कहीं इधर उधर भटकता नहीं है। तो ये चीज़ अगर गेम के अंदर आती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, हर चीज़ का जो मतलब जितना भी गन रिकॉल करती है ये सब छोटा मोटा गन टोटली रिकॉल करना बंद हो जाएगा। हालांकि ये सब चीज़ शायद मेरे ख्याल से AK में या फिर मतलब और सब अदर गन में लगेगा या नहीं लगेगा, बट तीन गन का वहाँ से नाम दिया गया, तीन गन में आपको बड़ा सा चेंजेस देखने नहीं मिलेगा, जो इसका जो स्पेशलिटी है उसे इंक्रीज़ कर दिया जाएगा और आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा इस टाइप का अपडेट। तो ये थी फाइनल अपडेट, टोटल अपडेट आप मेरे कमेंट में बताना, इसमें से आपको टोटल जितना ही मैंने बताया इसमें से आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगा कौन सा चीज़ ख़राब लगा। मुझे पता है कुछ लोग मेरे कमेंट के नीचे नेगेटिव कमेंट करेगा, बट मुझे उनसे उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक बात बताऊँ भाई, एक बंदा जो मैं हर वीडियो पर नेगेटिव कमेंट करता, मैं उस बंदे का नाम अच्छी तरीके से याद है मुझे उस बंदे का नाम अच्छी तरीके से याद है, और वो उस बंदे का नाम जो मैं कभी नहीं बोलने वाला हूँ। तो खैर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि भाई आप टेंशन मत लो, हाथी चले बाजार कुत्ता भोंके हजार, तो मुझे उसका बात याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुत्ते ऐसे ही भोंकते रहते हैं। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में इतना सही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलता है अगले वीडियो में।